Let's start with the nucleus again. Yesterday we took, or yesterday we have gone through the nucleus, right? So we will again go through it. We will again see what nucleus is. So nucleus is what? A dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as cell as for transfer to next generation. राइट right? तो कल प्रोटोप्लाज्म का मतलब पूछा था किसी ने. सो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या था? दैट इज ए फ्लूइड बेस्ड कंटेंट, राइट? एक फ्लूइड बेस्ड कंटेंट जिस जो हार्ड नहीं है, एक जेली लाइफ स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉन एज डेंस प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस. सो वैसा एक बॉडी जो है वो रहता है, जो कि क्या करता है, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एंड सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में, राइट, उस चीज को ट्रांसफर करने में मदद देता है. इट लाइज इन द मीडियन और सेंट्रल पोजिशन, राइट? मीडियन या सेंट्रल पोजिशन में रहता है, लेकिन प्लांट सेल में वो पेरिफेरी में पाया जाता है. सो इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. और आरबीसी जैसे सेल हो या सी एलिमेंट्स हो, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं रहता है. सो राइट साइड में तुम डायग्राम देख सकते हो कि किस प्रकार से एक न्यूक्लियस जो है वो दिखता है. और हम देख सकते हैं ये पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. बाहर न्यूक्लियर एनवलप है, अंदर न्यूक्लियोलस है, राइट? एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस प्रकार से साइटोप्लाज्म हमने देखा था, जो सेल के अंदर जो जेली बेस या सेमी कोलोइडल लिक्विड जो है जो रहता है, राइट, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में जो चीज रहता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, राइट? एंड न्यूक्लियस किससे बना रहता है, राइट? व्हाट न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ. सो व्हाट न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट थिंग दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स, राइट, कवरिंग द सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियर एनवलप क्या कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है, ये अलग कर रहा है. किस चीज को ये अलग कर रहा है? किस चीज को अलग कर रहा है? दैट इज, इट इज सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. क्योंकि हमने ये देखा था कि सेल जो है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, राइट? और उस साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए, किसको अलग करने के लिए, न्यूक्लियस को अलग करने के लिए क्या है? न्यूक्लियर एनवलप होता है. इट कंटेन्स many nuclear pores. Pores वाला छोटे छोटे छेद, right? So उसमें छोटे छोटे छेद जो है वो होते हैं. और छेद किस लिए होते हैं? That nuclear pores allow exchange of material between the nucleus and the cytoplasm, right? Nucleus और cytoplasm के बीच में कोई exchange मतलब कोई चीज, इधर से nucleus से cytoplasm में जाना और cytoplasm से कुछ चीज nucleus के अंदर आने के लिए, right? मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन रहता है? न्यूक्लियस पोर रहता है. सो न्यूक्लियर पोर जो है वो उस हिसाब से रहता है. फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये एक कलरलेस डेंस सैप है, राइट? कलरलेस है, डेंस सैप है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड. जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस क्या होता है? ए राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, राइट? एंड इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, राइट? सो विच इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन. वेयर इज न्यूक्लियोलस प्रेजेंट? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. What is nucleoplasm? Nucleoplasm is the colorless liquid found in the nucleus. Where is nucleus present? Nucleus is present in the cytoplasm. Where is cytoplasm present? Cytoplasm is a liquid which is present inside the cell. Where is cell present? Cell is present in a tissue. Where is tissue present? It is present in a organ. Where is organ present? It is present in an organ system. Where is organ system present? It is present in an organism.
राइट सो इस तरीके से स्टेज टू स्टेज जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, कहाँ पर कौन सा चीज कहाँ पर क्या पाया जाता है वो। यहाँ पर तुम्हें लगता है सोचने में लग सकता है कि ये क्रोमैटिन क्या है, राइट right? सो ये क्रोमैटिन क्या है वो हम आगे कवर करेंगे, क्रोमैटिन क्या है, राइट right? यहाँ पर बस तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर एनवलप क्या है। न्यूक्लियर एनवलप क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन, दो परत, राइट right? किसी का दो परत जो है वो कवर करता है, जिसको जो किसको अलग करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को अलग रखता है। राइबोसोम, राइबोसोम इज एन सेल ऑर्गेनल, राइट राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। नाउ न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, न्यूक्लियर पोर्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में मदद करता है, किनके बीच, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इट इज ए कलरलेस डेंस सैक फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। यह है, ये कलरलेस डेंस सैप है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। न्यूक्लियोलस पहले भी बताया था, दैट इज एक राउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर, राइट तुम देख सकते हो ये पूरा न्यूक्लियस है, राइट इस न्यूक्लियस के अंदर, राइट न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, जो किसमें ज्यादा है, आरएनए और प्रोटीन जिसके अंदर ज्यादा है, और राइबोसोम फॉर्मेशन का साइट, राइबोसोम यहां पर फॉर्म होता है, राइट। मूविंग ऑन, अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, क्या कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस का ही है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाया जाता है, राइट क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि क्या है, एक सेकेंड, जो कि क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, दैट इज ये what is it, it is the contains chromosomes which are visible as rod shaped, right rod shaped substance jo hai, rod shaped structures jo hai jo kab dikhte hain, when they are visible, when the cell is about to divide, jab cell divide hone lagta hai, jab cell mein division shuru hone lagta hai, tab jaakar hame chromatin jo hai chromosomes jo hai wo dikhte hain, राइट क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर किस प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं, इनहेरिटेंस के फीचर्स, राइट इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो चीज ट्रांसफर होता है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो है पास ऑन होता है, उसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस, राइट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इज इनहेरिटेड, राइट अगर अपन कहते हैं, राइट दैट इज यू हैव इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून, राइट यू हैव इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है कि तुमने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो पाया है, इनहेरिट किया है, कहां से, दादा से, परदादा से या पापा से, राइट सो लाइकवाइज वहां से एक फॉर्चून आना, सो इनहेरिटेंस का लिटरल मतलब जो है वो क्या है, दैट इज क्रोमोसोम कंटेंट, दैट इज कि कोई भी चीज का कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहां से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी चीज का ट्रांसफर होना, उसको क्या होता है, इनहेरिटेंस। यहाँ पे इनहेरिटेंस किस चीज का इनहेरिटेंस हो रहा है, फीचर्स, कौन से फीचर्स, जो भी पेरेंट्स के फीचर्स है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं, वो चाहे बिहेवियर हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, राइट दोनों तरीके के कैरेक्टर्स जो है वो तुम्हारे अंदर होते हैं, राइट उसका कारण कौन है, क्रोमोसोम है, जो कि डीएनए पेरेंट से तुम्हारे अंदर जब ट्रांसफर होता है तो वो चीज होता ही है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स, डीएनए मॉलिक्यूल जो रहते हैं
राइट। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है वैसे, व्हाट आर डीएनए, टाइप इन द चैट। व्हाट इज डीएनए, फास्ट व्हाट इज डीएनए, सबको भी नेटवर्क इश्यूज हो गया है राइट। पिछले साल नहीं पढ़ा कुछ भी डीएनए के बारे में, मेरे हिसाब से तो होगा आप पिछले साल कुछ ना कुछ तो रहेगा डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइट। दैट इज डीएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइट। तो वो ध्यान में रहना चाहिए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइट। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स किस प्रकार के इंफॉर्मेशन जो कि एक सेल को बनाने में और सेल को ऑर्गेनाइज करने में किसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है राइट। स्पेलिंग इज रॉन्ग गीतांजलि, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। So it is deoxyribonucleic acid. क्या है deoxyribonucleic acid? So moving on, functional segments of DNA are called genes. What are genes? Genes are the functional segments. जो किसी भी चीज के functional segments जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है, या फिर एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कहा जा सकता है राइट। डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट जो है उसको भी जीन कहा जाता है। सो जब सेल डिवाइड नहीं करते हैं तो डीएनए किस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, क्रोमैटिन मटेरियल में पाया जाता है। अब क्रोमैटिन का डेफिनेशन क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एंटैंगल्ड मास of thread-like structures. कैसे मास है वो, entangled. Right? Entangled mass of thread-like structures. Entangled का मतलब okay, we'll move on. It plays an important role in cellular reproduction, right? Cellular reproduction mein bahut hi zyada important role hota hai. It helps in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit on maturity by directing the chemical activities of the cell. और ये it मतलब क्या, nucleus के बारे में बोल रहा है। Nucleus क्या है, ये वो सी में, क्योंकि nucleus के अंदर ही क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल ही क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, कब, जब सेल डिवाइड होने को होता है। तो सेल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से डिवाइड होना चाहिए, कैसे उसका काम होना चाहिए, किस प्रकार से वो काम करना चाहिए, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिसाइड करता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि न्यूक्लियस को दूसरा नाम भी, अगर हम जनरल तरीके से उसको अगर नाम दे तो क्या कहा जा सकता है उसको, CPU,
दैट इज ब्रेन राइट, या फिर कंट्रोल यूनिट इन ए सेल, सेल के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उस चीज को कहा जाता है। यस, सेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स दैट फंसा हुआ नहीं होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटैंगल्ड, एंटैंगल्ड मतलब नॉट फंसा हुआ राइट, नॉट फंसा हुआ दैट इज जो तुमने फंसा हुआ बोला, फंसा हुआ नहीं बल्कि क्या है वो, इट इज एन एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक, यूजली जब हम थ्रेड को जब रखते हैं राइट तो क्या हो जाता है राइट, अगर हम वो जो पट्टी है उसमें से अगर हम थ्रेड निकाल लेते हैं पूरा बाहर और ऐसे थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो टैंगल्ड हो जाता है राइट, टैंगल्ड हो जाते हैं तो फिर उसको खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल भले ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से लेकिन वो एंटैंगल्ड रहते हैं, क्योंकि अगर टैंगल्ड हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशानी प्रोवाइड करते हैं। इनको एंटैंगल्ड का दूसरा मतलब भी क्या होता है, दैट इज इट इज इंटरट्वाइंड, फंसे हुए जो तुमने बोला ना, फंसे हुए नहीं रहते, अगर फंसे हुए रहते तो सपोज अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, फंसने के चांस ज्यादा है। एंटैंगल्ड यहां पर मतलब है, अगर दूसरा इसको सिनोनिम्स अगर इंटरट्वाइंड राइट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली ये एक दूसरे में मास में रहते हैं राइट। तो पहले मैंने हिसाब से एक सेकेंड, यहां पर देख सकते हैं राइट, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स तुम देख सकते हो यहां पर इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो किस प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स बेस्ड है राइट, कॉम्प्लेक्स है। सो न्यूक्लियोप्लास्म में तुम्हें ये ऐसे एंटैंगल जो है वो दिखता है, कॉम्प्लेक्स है, हमें पता नहीं कि चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फंसे हुए रहते राइट, इट इज इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर, अलग अलग से इंटरट्वाइंड है लेकिन फंसे हुए नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा। ओके, सो ये चीज जो है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। सो ये ध्यान में रहने वाली बात है, इनके फीचर्स जो है क्या क्या है, सबसे पहला इनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहते हैं कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने वाले, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो रहते हैं, एंड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट इन द। This अगर entangled का अगर हम actually okay, ये जो structure जो तुम्हें दिखता है right, this is a chromosome. सॉरी एक चीज करेक्शन है कि एंटैंगल्ड इज द सिनोनिम्स, अगर हम उसको हिंदी में एग्जैक्टली अगर ट्रांसलेट करते हैं राइट, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करने में वो हमें फंसा हुआ राइट, ऐसा जब तुम सर्च करोगे ऑनलाइन राइट तो वैसा ही दिखता है। तो उस चीज का ये ध्यान रखना कि फंसे हुए का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं कोई भी
चीज जब हम उसको खोलने को लगते हैं तो वो खुलता नहीं है, ज्यादा ज्यादा फंस जाता है, इस हिसाब से नहीं बोल रखा है एंटैंगल। एंटैंगल का मतलब वही है कि हाँ थोड़ा ट्विस्ट है, टर्न्स है और कॉम्प्लेक्स है, राइट, लेकिन एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक हाउ इट इज मेंट टू बी, राइट, बिकॉज यहाँ पर तुम डायग्राम देख सकते हो कि डायग्राम में किस प्रकार से वो दिखता है, राइट, फंसे हुए जैसा तुम्हें दिखेगा, राइट, लेकिन उस चीज का ध्यान रखना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस, राइट, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है थ्रेड एक कंडेंस शेप में लगता है, राइट, उस चीज को क्या कहा जाता है, दिस वन इज द थिंग विच आई सेड यस्टरडे ऑल्सो, right, the difference between eukaryotic versus prokaryotic, eukaryotic versus prokaryotic ka difference, so eukaryotic cells kya hai, they are bahut hi generalized hai, aage maine aur isko detail mein bata rakha hai, jo generalized hai wo dhyan mein rehna ki eukaryotic cells are found in humans, they are also found in plants, animals, fungi and insects. Prokaryotic kahan pe paya jata hai, they are found in bacteria, they are less complex than the eukaryotic cells. Nucleus, eukaryotic cells have nuclei and other membrane bound organelles. Nuclei ke paas kya hota hai, nucleus hota hai, sorry, eukaryotic cell ke paas kya hai, nucleus hota hai aur membrane bound organelles paaye jaate hain, lekin prokaryotes ke paas na hi nucleus hota hai na hi membrane bound organelles hote hain. Eukaryotic ke paas जो डीएनए रहता है, राइट, उसमें लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास छोटे और सर्कुलर डीएनए जो है वो रहते हैं। दिस डिफरेंस यू कैन राइट और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, दैट इज प्रोकैरियोट्स जो है स्मॉल इन साइज, राइट, 1 to 10 माइक्रोमीटर, organized nucleus is absent, a single DNA molecule is present suspended in cytoplasm, nucleolus is absent, larger in size 5 to 100 micrometer, organized nucleus is present with nuclear envelope, nucleolus is present, several DNA molecules are absent, membrane bound cell organelles are present, membrane bound cell organelles are absent, typical vacuoles are present, typical vacuoles are present and here they are absent. Mitosis is present, mitosis is absent. Plants, animal and fungi, bacteria, cyanobacteria. So just read this, if you have any doubt ask me now. Yes, mitosis and cell division. Cell division दो में होता है, mitosis और meiosis. Mitosis is in cell division. What is mitosis? Are you asking me that? And what is cyanobacteria? Are you asking me that? Mitosis is a type of cell division, right? जहाँ पर एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है,
वो इस बार तुम्हारे सिलेबस में शायद नहीं है, पता नहीं, आई डू वांट टू चेक दैट, बट जितना मैंने टेक्सटबुक में देखा वहां पर ज्यादा डिटेलिंग में तुम्हारे माइटोसिस में इस बार तो नहीं दे रखा है, लेकिन जितना अगर होगा, अगर टेक्सटबुक में माइटोसिस का डिटेल दे रखा है तो मैं उस चीज को कवर कर दूंगा। बस अभी के लिए ये जान के रखो कि माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीशन है, सेल डिवीशन के अंदर आने वाला एक एक टाइप ऑफ सेल डिवीशन है, राइट। और साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए, साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया जिस जैसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल होता है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दो नाम रहता है इनका, राइट। तो ये प्रोकैरियोट्स के कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। टिपिकल वैक्यूल्स मतलब होता है, टिपिकल मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि वो एक टिपिकल आदमी है, वो एक टिपिकल पर्सन है। टिपिकल मतलब क्या है, मतलब जो वैक्यूल, जैसा वैक्यूल होना चाहिए, जैसा वैक्यूल दिखना चाहिए, राइट, वैसा वैक्यूल वहां पर पाया जाता है। कहां पर? यूकैरियोट्स में। और जैसा वैक्यूल होना चाहिए वैसा कुछ नहीं, लेकिन वैक्यूल जैसा कुछ पाया जाता है, लेकिन उसको हम वैक्यूल नहीं कह सकते जैसा कि होना चाहिए। बोलते हैं कभी कभी हम जिससे टिपिकल प्लांट, राइट, जिससे, तो मतलब टिपिकल प्लांट मतलब दैट प्लांट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अदर प्लांट्स। जो एक प्लांट में, एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्टेम होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, राइट, ग्रीन कलर हो तो भी सही है, ग्रीन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फीचर, राइट, रूट्स होने चाहिए, अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है, राइट, फल आते हैं उसमें, राइट, फ्लावर आते हैं या फिर, राइट। सो लाइक वाइज दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल प्लांट। सो सिमिलरली टिपिकल वैक्यूल का मतलब क्या है कि वैक्यूल जैसा होना चाहिए, जिस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार का पाया जाता है। कहाँ पर? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। सो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, राइट, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ रिगार्डिंग दिस चैप्टर और रिगार्डिंग द वायरसेस, राइट। आजकल कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, राइट। तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, वायरसेस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए वो लाइफ का शो या लाइफ को शो नहीं करता है। कब तक? जब तक वो एक लिविंग बॉडी में उसके मशीनरी को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज नहीं कर लेता। इसलिए हमें क्या कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर लाइफ ही नहीं है, वायरस के अंदर लाइफ ही नहीं है, राइट। वो लाइफ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने, लाइफ का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लाइफ का, जस्ट टेल मी एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लाइफ, हाउ कैन यू डिफाइन दैट एनीथिंग इज लिविंग, एनीथिंग हैज अ लाइफ, किसी के अंदर एक लाइफ है, वो तुम कैसे बोल सकते हो, कैसे कह सकते हो? मोर 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 नंबर, बाकी भी, बाकी लोग, श्रेया, एकांश, शिवम, प्रतिमा, और
और कौन है? दिविशा, गैलेक्सी, आयुषी, okay, so here only Geetanjali got it correct, right? Agar SBF, I think so, Shiksha is there and Nandini, right? So un dono ne movement kaha, right? Movement kaha. So iska matlab plant is non living thing. Do you agree? Nandini and Shiksha, plant is a non living thing. Yes, reply. Plant is a non-living thing, Nandini? Plant is a living thing, right? But according to you, or according to the answer, you said that the distinguishing factor of one, that is whether it is a living or whether it is alive, is that it should reproduce, it should growth. Right? Uska grow hona chahiye, growth hona chahiye, or reproduce. Reproduction and growth, right? उसमें कोई बदलाव जिसे जो आना चाहिए. So इस वजह से वो एक distinguishing characteristic बन जाता है life के लिए, living being के लिए. तो यहां पर virus जो है motion move जरूर कर सकता है, right? Move जरूर कर सकता है, right? Virus जो है यहां पर हम देख सकते हैं ना, कहां China से आया था, अभी तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, यहाँ पे राजस्थान में फैला हुआ है, राइट? महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से है, एमपी में है. सो लाइकवाइज हर जगह कहर मचा रखा है. तो यहाँ पर जो एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ जो है वो क्या होता है, ग्रोथ होता है. और वो ग्रोथ कब कर पाता है? वो ग्रोथ तभी कर पाता है जब उसको एक लिविंग बॉडी मिल जाए, राइट? इसीलिए कहा गया है कि घर पे रहो, स्टे होम, राइट? स्टे होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो तो घूम रहा होगा एनवायरमेंट में, राइट? या फिर एनवायरमेंट में किसी ना किसी ने छींक की छींका होगा, तो वो कहीं ना कहीं वॉल्स में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में रहेगा. तो जब तुम वहां पर जाके छुओगे तो क्या हो जाएगा, उसको जिंदगी तुमने दे दी, राइट? वो ऑलमोस्ट मरने के हालत में था क्योंकि उसको कोई केयर नहीं दे रहा था, लेकिन तुमने जाके उसको जिंदगी दे दी और तुमने उसको अपने अंदर ग्रो करने का एक मौका दे दिया. तो वायरस जो इतने बुरी तरह से अटैक कर रहा है, उसका कारण कौन है? हम है, वायरस नहीं है, क्योंकि हम उसको जिंदगी दे रहे हैं. अगर हम उसको सहारा नहीं देते तो वो कुछ नहीं कर पाता, राइट? तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखें. ओके, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म द कंटेंट्स ऑफ ए सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलावा जो कोई भी चीज एक सेल के अंदर होती है उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है. साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? इट इंक्लूड्स साइटोसोल, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड द साइटोस्केलेटन. क्या क्या है उसमें? साइटोसोल, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड द साइटोस्केलेटन. साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स मेनली, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स. अब साइटोसोल क्या है? पहले भी शायद शिक्षा ने पूछा था, साइटोसोल का एक और बार डेफिनेशन लिख लो,
right? It is the fluid part of cytoplasm, homogeneous and crystallocolloidal liquid that contains substances, water, ions, enzymes, proteins, etc. Right, so it is what? It is a fluid of cytoplasm which contains ions, enzymes, vitamins, proteins, etc. Cell organelles jo hai, cell organelles mein kya paya jaate hai? That is sub-microscopic structure which are specialized to perform specific cellular functions. Kya paya jaate hai isme? Specialized to perform specific cellular functions. Cell organelles may be bounded by a membrane as in eukaryotes, but prokaryotes lack membrane bound organelles. Cell organelles paaye jaate hain yahan par, right? Lekin eukaryotes mein jo cell membranes hote hain unme kya ho sakta hai, kya paya ja sakta hai? Membrane paya ja sakta hai, lekin iske andar membrane nahi paya jata. Right, जो कि हमने पहले डेफिनेशन में ही देखा था, right? डिफरेंस देखा था ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, उसमें देखा था कि प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट और इसके अंदर देयर इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, राइट? सो वायरस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन. तो वायरस क्या होता है, उसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, राइट? सो okay, these are the substances of, or these are the things which are there in the cytoplasm. Okay, so in the morning session humne cell organelles jo hai start karne ke liye kaha tha. Cell organelles humne pehle bhi dekha, right? Humne abhi is chapter mein nucleus tak hum pichle session mein humne padha tha, right? Nucleus, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब कुछ कवर हो गया. तो साइटोप्लाज्म में ये देखा था कि साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो रहते हैं, राइट? और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सेकेंड लास्ट लाइन में भी ये था कि बिफोर सॉरी थर्ड लास्ट लाइन में सेल ऑर्गेनेल्स क्या था, दे आर द सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस, राइट? तो सेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, ये सॉरी ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, राइट? सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही इनको देखा जा सकता है. अब दिख रहा होगा, वो थोड़ा बीच में शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो इस वजह से. Everybody can see the screen? Yes, clearly. Okay, so in the morning ये हमने देख रहे थे कि कितने सारे okay, in the morning हमने ये देखा था, that is साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था, साइटोप्लाज्म किस प्रकार से है या उसका कंडीशन क्या क्या है, राइट? उसके अंदर क्या क्या पाया जाते हैं. तो उसके अंदर सबसे एक पार्ट जो था दैट वाज सेल ऑर्गेनल्स, राइट? तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल ऑर्गेनल्स सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज में स्पेशलाइज है, दे स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस. सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दैट इज जो माइक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोप से ही उसको क्लियरली देखा जा सकता है, क्लियरली उस चीज को स्ट्रक्चर पढ़ा जा सकता है, राइट? तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं, राइट, जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हम एक एक करके अभी देखेंगे.
राइट। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर उनका हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स देखा था। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या था कि यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनल्स, दैट इज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं रहते। तो ये चीज हमें ध्यान में रहना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है। ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस के लिए काम आते हैं, राइट। और सेल ऑर्गेनल्स जनरली यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स जो कि हम देखेंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में ER, राइट। तो ER क्या है, ER इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्या है ये नेटवर्क, है किस प्रकार का नेटवर्क है, इट इज ए इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स, दैट इज जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट, वो एक दूसरे से अंदर से, राइट, आंतरिक रूप से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। सो द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल विथ ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। और द इंटरनल कंपार्टमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ल्यूमेन कहा जाता है, जो कि सेपरेट पार्ट है सेल का, जो कि जिसके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोटीन है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, एकदम जो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, राइट, एंड आयन कंपोजिशन भी वहां पर होता है। आयन कंपोजिशन में डिफरेंट कंपोजिशन मतलब क्या, मिक्सचर है अलग अलग प्रकार के आयन्स, राइट, जो अलग अलग प्रकार के आयन्स जो है वो हमें कहाँ पर मिलता है, ल्यूमेन में मिलता है। ल्यूमेन क्या है, द इंटरनल कंपोनेंट है, राइट, दैट इज इंटरनल कंपोनेंट, दैट इज इंटरनल कंपार्टमेंट। ईआर फोल्डिंग जनरेट्स अ सरफेस एरिया विच ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ईआर फोल्डिंग जो है, राइट, ईआर जो है फोल्ड करता है, राइट, इसके फोल्ड्स जो है, उसके फोल्ड्स होने के वजह से वो क्या करता है, उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ज्यादा, राइट। फोल्डिंग ऑफ ईआर, ईआर के फोल्ड के होने के वजह से, ईआर फोल्ड होने के वजह से क्या, किस चीज में मदद देता है, दैट इज सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, राइट। और कुछ साइट में ईआर मेम्ब्रेन जो है इज कंटिन्यूज विद द आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन। कुछ साइट में क्या होता है, ईआर का जो मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ जाता है, किससे मेल खाता है, न्यूक्लियर एनवेलप से। न्यूक्लियर एनवेलप ने देखा था, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। सो अगर उसी के साथ एडजेसेंट क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप का मेम्ब्रेन दोनों एक जगह पर या फिर कुछ जगह पर अगर दोनों फ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी नियरर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एकदम नजदीक में जो ऑर्गेनल पाया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, right? So depending on the presence or absence of ribosomes on the surface, there are two types of ER, right? Kya hai? Depending upon the presence or absence of ribosomes. Kiska presence? Ribosomes ka presence, right? Pehle mujhse pucha gaya tha, right? Shayad Shiksha ne pucha tha ki ribosomes kya hai, right? So ribosomes ek aise cell organelle ke andar, ya phir cell organelle hai, it is a one type of cell organelle which helps, or the main function of that organelle is protein synthesis. Therefore, jis structure mein ya fir endoplasmic reticulum ke upar jab ribosome paya jata hai, to wo kis mein madad karta hai, protein synthesis mein madad karta hai. To is wajah se ER jo ki endoplasmic reticulum jo hai wo kya hota hai, do prakar ka hota hai. Do prakar, kya kya hai do prakar, that is rough endoplasmic reticulum and स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता है, जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, राइबोसोम्स जैसे जड़े होते हैं, राइट, सो उसके उस प्रकार के ईआर को या उस टाइप के ईआर को क्या कहा जाता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम नहीं होते उसके सरफेस में, उसको क्या कहा जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किस प्रकार से काम करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब क्या? एक ढांचा, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक स्ट्रक्चर के बेसिस में यह फंक्शन करता है जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज करने में मददगार है, क्योंकि हमने देखा कि दिस स्ट्रक्चर, राइट, दिस स्ट्रक्चर इज नियरर, राइट, किस चीज के पास आता है वो, या फिर किस चीज से अटैच है वो? आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन से अटैच है। और हमने देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हर एक सेल के अंदर। जब वो हर एक सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो किस चीज में वो सबसे ज्यादा मदद करेगा? दैट इज एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाने में, एक साइटोप्लाज्म बेस्ड एक स्ट्रक्चर फ्रेम, राइट, एक ढांचा बनाने के लिए क्या काम आता है? एक ये जो है वो उस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उस तरीके से साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के काम में आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक और बार हम फंक्शंस देखें क्या क्या है। दैट इज दिस ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स, इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इंटरनल कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है, राइट, जो कि सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल है, राइट, इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल विद अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। ईआर फोल्डिंग, ईआर का फोल्डिंग जो है वो सरफेस एरिया ज्यादा जनरेट करता है, किससे ज्यादा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्यादा। और कुछ साइट में ईआर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन के साथ में रहता है। और ईआर दो प्रकार के होते हैं, किस बेसिस में वो दो प्रकार के हुए? दैट इज ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ribosomes, that is if it is present. If ribosomes is present, then it is known as rough endoplasmic reticulum, and if the ribosomes are absent, then it is known as the smooth endoplasmic reticulum. Moving further, this is how a endoplasmic reticulum ka structure, right, jise kaha, right, ion means ion का chapter actually आएगा, लेकिन फिर भी अगर अभी के लिए अगर बोला जाए तो see there are you have studied different what to say chemicals, right, या फिर chemicals के बारे में पढ़ा है, right? तो ये राइट, एच हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है। तो आयन्स क्या होते हैं? आयन्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ चार्ज एलिमेंट्स। आयन्स का डेफिनेशन अगर जनरल डेफिनेशन बोले तो चार्ज डेफिनेशन, दैट इज आयन्स दो प्रकार के होते हैं, एनायन और कैटियन, राइट। सो एनायन किसे कहते हैं, कैटियन किसे कहते हैं? आई थिंक सो एट्थ में वो हो चुका है, राइट, तो उसका बेस जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। तो जितने भी ओके, सो आयन का बेसिक डेफिनेशन या बेसिक चीज क्या है? आयन आर द चार्ज्ड एलिमेंट्स या चार्ज पार्टिकल्स, राइट। सो आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो यस, इट इज रिलेटेड टू एटम, राइट। एटम मींस ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट जो है वो एटम है, राइट, एक एलिमेंट जो है एटम, जब हम एटम का डेफिनेशन पढ़ते हैं एटम के डेफिनेशन के अंदर ही, या फिर एटम जब चैप्टर होता है उसे एटम चैप्टर के अंदर ही हम आयन भी पढ़ते हैं। आयन आर द चार्ज्ड वन। एटम जो है क्या है? हर एक एलिमेंट, हर एक पार्टिकल जो है वो एटम से बना हुआ है, हर एक पार्टिकल जो है वो एटम से बना हुआ है। और एटम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट। सो जब इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं, राइट, उसके वजह से हमें आयन्स जो है वो मिलते हैं, राइट। तो उस तरीके से समझना, आयन जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, राइट। सो आयन मतलब क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स, बस वही है बेसिक डेफिनेशन अगर आयन का बोला जाए तो, दे आर द चार्ज पार्टिकल्स।
राइट। यहाँ पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है तुम देख सकते हो कि एक यहाँ पर जो ये ऊपर राइट एम्बेडेड जैसे कहा गया राइबोसोम का प्रेजेंस होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जब इस प्रकार से जब यहां पर नहीं रह पाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइट, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब राइबोसोम्स होते हैं वहां पर, और जब राइबोसोम्स नहीं होते तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो ये न्यूक्लियस का आउटर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस का बाहर में स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स में मदद करते हैं, दैट इज फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म के लिए एक जो है वो रहता है। सो और दूसरा एक और स्ट्रक्चर जो पहले देखा था, दैट इज सर्टन साइट, कुछ साइट में न्यूक्लियस के कुछ साइट में क्या होता है, क्या अटैच्ड है, ये चीज अटैच है। तो है ना, न्यूक्लियस इतना एरिया है न्यूक्लियस का इतना पूरा, लेकिन सिर्फ कुछ साइट में ये किससे अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, राइट या फिर कंटिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप के उसके कंटिन्यूअस फॉर्म में, राइट न्यूक्लियर एनवेलप है ये, राइट और उसके कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें क्या पाया जाता है, क्या मिलता है, दैट इज वी गेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इस तरीके से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दिखता है। व्हाट इज सिस्टर्ने, सिस्टर्ने आर स्मॉल, व्हाट टू से, ये इस चीज को सिस्टर्ने कहा जाता है, राइट right? अगर क्या बोलते हैं सिस्टर्ने को एग्जैक्टली, ए स्मॉल कैनाल शेप, राइट कैनाल, या फिर अगर हम सिस्टर्न्स को दूसरा बोलते हैं जो हम घड़ा जो बोलते हैं ना घर पे, घड़े घड़ा जो होता है जिसपे मतलब जो मटकी जिसको बोलते हैं, मटकी का एक अलग फॉर्म जो है उसको सिस्टर्ने बोलते हैं, दैट इज इट इज ए स्पेस, राइट। ये एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टर्न्स का मतलब क्या था, हाँ घड़े जो होता है उसका मतलब, दैट इज द वन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिस्टर्न्स जिसको सिस्टर्न्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर्नल स्पेस मतलब तुम देख सकते हो कि एक एक ऐसा स्पेस है जहां पर क्या बोलते हैं जो भी पार्टिकल्स इधर से उधर जाएंगे वो यहाँ पर रहेंगे, राइट। सो दैट आर नोन एज सिस्टर्न्स, राइट, सिस्टर्न्स या फिर सिस्टर्नल स्पेस, राइट। सो यहाँ पर ये सिस्टर्न है, दैट इज घड़े जैसे स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर जो स्पेस है उसको क्या कहा गया, सिस्टर्नल स्पेस, राइट। एंड इफ यू आर नॉट स्टिल गेटिंग, डिड यू गेट शिक्षा द सिस्टर्न है, yes please reply in the chat, that's why I'm waiting. बेसिक डेफिनेशन, ओके, बेसिक डेफिनेशन जो है सिस्टर्ने का, बेसिक डेफिनेशन अगर बोला जाए तो वो एक क्या है, फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली तुम जब हम लाइसोसोम्स जब पढ़ेंगे, राइट, लाइसोसोम्स के अंदर भी सिस्टर्ने या फिर गोल्जी बॉडीज जब आएगा तो उसके अंदर भी सिस्टर्ने दिखाया देगा, राइट। सो ये बस डायग्राम, पहले नहीं था सिस्टर्ने का बेसिक डेफिनेशन, तो बस डायग्राम के लिए मैंने वो चीज रखा है, द बेसिक डेफिनेशन आई विल गिव इट, राइट, इट इज कमिंग, राइट। सो बस इट जस्ट अगर समझने के लिए अगर तुम बेसिक डेफिनेशन है तो इट इज ए फ्लैटेंड डिस्क membranous flattened disc agar bole, ek second, right, membrane ke andar paaye jane wale membrane se bane hue flattened, sorry
मैंने सबको लिखना था. इट इज ए मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड डिस्क. Right, membranous या फिर flattened membranous disc. Got? Membranous flattened disc या फिर flattened membranous disc. That is the thing. Moving on. Functions of ER, right? Functions of ER जो है वो क्या क्या है? What happened, Shivam? फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब क्या है? चपटा हुआ, राइट. तुम देख सकते हो पहला वाला जो है वो एकदम फ्लैट है, राइट. एकदम फ्लैट बेस्ड है ना, एकदम जैसे हम किसी ने ये खाया है इधर, क्या बोलते हैं उसको, फाफड़ा, थेपला फाफड़ा किसी ने खाया है, देखा है उसमें जिस तरह से वो बनता है, गुजराती थेपला फाफड़ा, फाफड़ा एक्चुअली, थेपला नहीं, थेपला तो वो मेथी पराठा जैसा होता है, राइट. फाफड़ा खाया किसी ने? है ना, तो राइट, उसी दैट इज द फ्लैट स्ट्रक्चर, राइट. वही फ्लैट, हाँ, जलेबी फाफड़ा, जलेबी इज ऑल्सो, जलेबी फाफड़ा अलग से अलग है कि फाफड़ा के साथ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फाफड़ा नमकीन होता है, उसके साथ जलेबी मिक्स किया, मतलब जलेबी भी खाया जाता है, तो क्योंकि जलेबी मीठा रहता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है, हाँ, पापड़ जैसा. इट इज, अगर 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 हम एग्जैक्टली अगर फाफड़ा बनाते हुए या खाया है फाफड़ा ना, तो एग्जैक्टली उस बेस डेफिनेशन वही रहेगा, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस डिस्क या जो है ना वो एकदम वैसा का वैसा ही है, राइट. एकदम फोल्डर जो है, अगर किसी ने खाया है एकदम, तो दे विल बी नोइंग वेरी वेल. एनीवेज, सो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. रफ ईआर जो है, राइट, उसका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. और लिपिड सिंथेसिस किसका काम है? स्मूथ ईआर का, राइट. और प्रोटीन्स और लिपिड जो कि सिंथेसाइज होते हैं, वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज किए जाते हैं, राइट. अब लिपिड क्या होता है अगर है, तो लिपिड मतलब क्या? लिपिड आर फैट्स, राइट. फैट्स, राइट. फैट्स का दूसरा एक जेनरिक नया नाम जो होता है, राइट, उसको लिपिड्स कहा जाता है. सो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि स्मूथ और रफ से बनते हैं, वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं, हेल्प्स इन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, राइट, अंदर अंदर और एक सेल से दूसरे सेल के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं. किस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट. इसी इंटरनल सपोर्ट का नाम जो है वही मैंने पहले स्लाइड में इंक्लूड किया, दैट इज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, राइट. साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जो था वही, वो यही चीज है, दैट इज इंटरनल सपोर्ट, राइट. सो इंटरनल सपोर्ट जो है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह वो काम आता है. एसईआर इन लिवर सेल्स टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स, राइट. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना. कौन आके चला गया? हु इज मिसिंग? एकांश इज देयर, श्रेया इज देयर, Shrebano is also there. Pratima went, no? Pratima is not there. And one more, Nishtha. Nishtha bhi gayi. Okay, Nishtha is not there. Okay, so ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, एसईआर जो है लिवर सेल के अंदर, एसईआर जो है वो किस प्रकार से काम करता है? डिटॉक्सिफाइंग में काम करता है,
SER स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, राइट, उसका शॉर्ट फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, राइट, स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो कि लिवर सेल्स में है वो किस चीज के लिए मदद करता है, डिटॉक्सिफाइंग, राइट। देयर इज अ टर्म नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाइंग मीन्स, टॉक्सिफाइंग मतलब होता है कि किसी को टॉक्सिक करना, टॉक्सिक मतलब क्या है, हार्मफुल, राइट, हार्मफुल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हम जब कोई पॉइसन लेते हैं या फिर कोई पॉइसन से जब करते हैं तो उसको टॉक्सिक बोलते हैं, राइट, खतरनाक नहीं, टॉक्सिक मतलब विच इज हार्मफुल, राइट, वही हाँ खतरनाक के टर्म पे तुम देख सकते हो। तो ये क्या करता है, जो पॉइसन और ड्रग लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्या पॉइसन लिया जाता है, सबसे सबसे ज्यादा पॉइसन जो हम लेते हैं या फिर एज ए ह्यूमन कम्युनिटी अगर लेते तो सबसे ज्यादा पॉइसन जो हम लेते हैं वो क्या है, सबसे बड़ा पॉइसन, यस, सबसे बड़ा पॉइसन जो लिया जाता है क्या लिया जाता है, यस निले, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इन द बॉक्स, क्या लिया जाता है, जल्दी जल्दी टाइप करो, टाइम नहीं है, सबसे बड़ा पॉइसन क्या लेते हैं हम, मैं ये नहीं पूछा कि तुम क्या लेते हो, मैं बस ये पूछा जनरली अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं इस पॉइसन ना लेने के वजह से, उनको उनको प्रॉब्लम हो रही है, अल्कोहल, यस, ओके, सो अल्कोहल इज द poison, right? It is the poison which is daily consumed by different beings, right? बहुत सारे लोग जो है सबसे ज्यादा जो है alcohol जैसा poison जो है वो use करते, तो उस alcohol को जो वो बहुत ज्यादा हमारे body को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन liver क्या करता है, liver उस चीज को detoxify करता है, how? और liver में भी कौन कर रहा है, SER, that is smooth endoplasmic reticulum in liver cells, राइट, वो क्या कर रहा है, उसको पॉइसन, को ड्रग्स मतलब जो भी ड्रग्स लिए जाते हैं, ड्रग्स में हर एक चीज आएगा, जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन इज आल्सो कंसिडर्ड अ ड्रग, इसलिए मेडिसिन के अंदर लिखा जाता है, मेडिसिन में बोला जाता है, राइट, कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट उसका अमाउंट हमारे बॉडी के हिसाब से सिर्फ डॉक्टर ही उस चीज को प्रिस्क्राइब कर सकता है, सो मेडिसिन ऑल्सो कम अंडर ड्रग्स, उसके अलावा भी कई प्रकार के ड्रग्स जो कि लिए जाते हैं, उन सब का भार जो है वो किस पे ज्यादा पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, क्योंकि लिवर उसको हमेशा डिटॉक्सिफाई करता है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायो, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लिविंग, राइट, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को क्या कहा जाता है, membrane biogenesis ka, so ye definition dhyan mein rakhna, what do you mean by membrane biogenesis, it is the process of formation of the cell membrane from proteins and lipids, kaun se proteins and lipids, jo proteins and lipids endoplasmic reticulum mein bane, un endoplasmic reticulum mein bane hue proteins aur lipids ka use kisme kiya jata hai, cell membrane mein kiya jata hai, aur us process ko kya kaha jata hai, membrane biogenesis ka, yes it is present, medicine are drugs, drugs are not present in medicine, medicine are drugs, right, koi bhi agar tablet ka pura tumhare paas wo kya bolte hai usko cover hai to uske piche agar usko tum padhoge tab likha rahega usme ki ye bina doctor ke prescription ke nahi becha ja sakta, drugs naam drugs hi likha rahega, राइट, सो जो ये थर्ड पॉइंट दे रखा है ना, प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन ईआर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द फंक्शन, और इसको बोला क्या जाता है, इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है, बस वो ध्यान में रखना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कि वो लिपिड सिंथेसाइज ईआर में जो होता है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है, राइट, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब क्या, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मतलब कुछ बनना, दैट इज
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चीज बन रहा है, राइट, नॉन लिविंग में नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी चीज को बनना जो होता है दैट इज वी टर्म एज इट एज ए बायोजेनेसिस, राइट। सो दैट्स व्हाई मेम्ब्रेन का बनना को क्या कहा जा रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, राइट। जब हम उसको ब्रेक करते हैं, राइट, बायो, बायो मीन्स लाइफ, राइट, लाइफ, लिविंग थिंग्स, राइट। सो वो चीज जो है बायोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं सिंथेसिस एक्चुअली, राइट। सो मेम्ब्रेन का लाइफ के अंदर दैट इज लिविंग थिंग के अंदर सिंथेसाइज होना इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस की बात की जाए तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कमाइलो गोल्गी ने उसको डिस्कवर किया था। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, राइट। अभी पता चला सिस्टर्न्स का मतलब या फिर सिस्टर्नी का मतलब, राइट, क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। विच मार्क्स, देयर इज नो मार्क्स, I have removed the marks. Yeah, I will please don't read the slide beforehand. Vesicles तक मैं पहुंचा, vesicles तक, हाँ ये जो बीच में जो vesicles बोल रहे हो वो, अच्छा जो vesicles जो है, vesicles का मतलब क्या है, small structures, right? Small structures, for example, right? ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे इस चीज को vesicles बोलते हैं, right? ऐसे छोटे फ्लैट बाउंड जो है वेसिकल्स जो है वो जब अरेंज होते हैं पैरेलल में, राइट, टू ईच अदर इन ए स्टैक्स, राइट, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे, राइट। सो लाइकवाइज दिस आर नॉन एज वेसिकल्स, इसमें भी होता है, राइट, इस टर्म पे भी रहते हैं, राइट, या तो ट्यूब्स में या वेसिकल्स, राइट। सो this structure are the cisterns or vesicles, इनको कहा जाता है vesicles. So material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus, right? So जो material कहाँ पे synthesized होते हैं, ER में जो synthesized होते हैं वो कहाँ की ओर आते हैं, वो उनको पैकेज किया जाता है, पैक किया जाता है और dispatch किया जाता है, dispatch मतलब भेजा जाता है, right? So भेजा जाता है कहां पर, टू द वेरियस टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो अलग अलग टारगेट्स हैं वो गोल्गी अपैरेटस के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मटेरियल्स बनते कहां पर है, ईआर में बनते, भेजता कौन है उसको, पैक करके भेजता कौन है, गोल्गी अपैरेटस भेजता है। गोल्गी जो है वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रहता है एनिमल सेल्स में, प्लांट में वो एक दूसरा सेपरेट यूनिट्स फॉर्म होता है जिसका नाम क्या होता है, डिक्टियोसोम्स, राइट। और सिस्टर्ने ऑकर्स इन स्टैक्स, ट्यूब्स एंड वेसिकल्स ऑकर इन द पेरिफेरी। सिस्टर्ने जो है, राइट, दिस, राइट, ये चीज जो है सिस्टर्ने जो है, ये चीज को सिस्टर्ने कहा जाता है, जिस इस चीज को जो मैं बना रहा हूँ ये वेसिकल्स है, राइट। सो वेसाइकल्स जो है वो पेरीफेरी में पाया जाता है, पेरीफेरी मतलब कल बताया था दैट इज नियर टू द वॉल, राइट, वॉल के नजदीक, एट वॉल के नजदीक जो है उसको पेरीफेरी कहा जाता है। और सिस्टर्ने इज लाइक डिस्क, स्टैक्स मतलब अरेंज पैरेलल, राइट, दैट इज जो ये ऐसे अरेंजमेंट जो है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, राइट, इसको स्टैक्स कहा जाता है, राइट, बोला जाता है ना स्टैक योर नोटबुक्स, स्टैक योर टेक्स्ट बुक्स, राइट, स्टैकिंग ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब क्या, एक के ऊपर एक अरेंज जिसको किया जाता है अच्छे से उसको कहा जाता है। डिक्टियोसोम्स
गोल्गी अपैरेटस ही गोल्जी बॉडी जो कि प्लांट सेल में अलग अलग यूनिट्स में पाया जाता है उनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। अलग कुछ नहीं है, गोल्जी बॉडीज ही है, गोल्जी अपैरेटस ही है जो कि प्लांट के अंदर अलग अलग यूनिट्स फॉर्म होते हैं जिनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। दिस इज द वन विच आई सेड राइट स्टैक एक के ऊपर एक राइट है ना, जब हम अरेंज करते रहे तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहा जाता है, दिस वेसाइकल्स राइट। तुम देख सकते हो वेसाइकल्स मैंने बताया था पहले, वेसाइकल्स इज दिस ल्यूमेन मतलब जो स्पेस बिटवीन दिस जिसको तुम सिस्टर्ने स्पेस जो वहां पर सिस्टर्ने स्पेस करके नाम आया था वो भी है, इसको सिस्टर्ने कहा जाता है, इसको वेसाइकल्स कहा जाता है। एंड दे आर द टू फेसेस, एक सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। ये उतना ज्यादा डिटेल में अभी देखने की जरूरत नहीं है कि ये सिस फेस क्या है ट्रांस फेस क्या है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है ये, लेकिन फिर भी बस ध्यान में रहे कि दिस इज हाउ ए गोल्जी अपैरेटस लुक्स या फिर एक गोल्जी बॉडी लुक्स, एक गोल्जी बॉडी जो है वो। तो जैसे कहा गया था कि जो सिस्टर्ने जो है वो ऐसे स्टैक्स में रहते हैं और स्टैक करके पैरेलल राइट एक दूसरे में पैरेलली स्टैक किए रहते हैं और वेसाइकल्स जो है वो पेरिफेरी में पाए जाते हैं राइट। ल्यूमेन मीन स्पेस। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, दिस वन ओके, दिस वन इज द मटेरियल सिंथेसाइज, जो मटेरियल ईआर में सिंथेसाइज हुआ, जो मटेरियल ईआर में बना, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मटेरियल ईआर में प्रोड्यूस होता है सिंथेसाइज होता है उस चीज को पैक करके डिस्पैच करना। डिस्पैच करना मतलब क्या है, भेजना राइट, डिस्पैच मीन्स भेजना राइट, कहां पर, सेल के अंदर और सेल के बाहर। हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हर सेल में गोल्जी अपैरेटस है राइट। जो हर सेल में जब गोल्जी अपैरेटस है तो उस गोल्जी अपैरेटस का काम क्या रहता है, दैट इज पैकेज करना और डिस्पैच करना, कहां पर, सेल में के अंदर और सेल के बाहर। सो फंक्शंस ऑफ गोल्जी इज व्हाट, फंक्शंस ऑफ गोल्जी, इट इन्वॉल्व्ड इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के रिपेयर और सिंथेसिस में काम आता है राइट। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस किस चीज को बनाता है, लाइसोसोम्स को बनाता है। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर टू बी सेक्रेटेड और एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसाइकल्स बाय गोल्जी अपैरेटस फॉर पैसेज टू द आउटसाइड। जो चीजें जो कि सेल के बाहर जानी है किस फॉर्म में, चाहे वो अंदर बाहर जानी है वेसाइकल के फॉर्म में, जो भी चीजें सेल के बाहर जानी है वो कौन पैक करके भेजता है, गोल्जी बॉडी भेजता है। इसलिए ये पॉइंट लास्ट पॉइंट में भी वही चीज रिपीट कर रखा है, दैट इज इट टेक्स पार्ट इन व्हाट, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल राइट। सिर्फ ईआर के द्वारा जो बनता है वही नहीं, बल्कि जितने भी अलग सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स में अगर कुछ बनता है तो वो सब कुछ हर एक चीज को पैक करके पार्सल या डिस्पैच कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रहा है। तो अगर मैं इस यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे जनरल लाइफ में राइट, हमारे जनरल लाइफ में कौन या फिर क्या चीज हमारे चीजों को पैक करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, नंदिनी वेंट, नंदिनी बीच में गायब हो गई। हमारे जनरल लाइफ में, जनरल लाइफ मतलब क्या है, हमारे नॉर्मल लाइफ में राइट, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं राइट, हमारे नेकेड आई से तो हम गोल्जी बॉडी को देख नहीं सकते ना, हमारे जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। जनरल लाइफ में ऐसा कौन सा चीज है या कौन है जो कि पैक करता है चीजों को और डिस्पैच करता है, भेजता है डे टू डे लाइफ में, कौन सा ऐसा चीज है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा एक ऐसा वर्क प्लेस है जहां पर चीजों को पैक किया जाता है और अपने अपने जगह पे उसको भेजा जाता है।
Yes, type in fast. Everybody. ट्रांसपोर्ट खुद ही पैक करता है क्या? ट्रांसपोर्ट तो एक मीडियम है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैक कौन करता है? ट्रांसपोर्ट में डालता कौन है? कंपनी, कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी? ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन डालता है, काम कर रहा है अच्छा। नहीं मैं ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वर्कर्स नहीं, कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है या कौन सा चीज है, राइट, कौन सा ये जो कि पैक करता है और डिस्पैच करता है? चीजों को पैक करता है अच्छे से, किसी शायद बोरे में डालता होगा या किसी भी चीज में डालता होगा और हर एक जगह पर पहुंचाता है। इंसान, उस इंसान का कुछ नाम है क्या? ओके सो टाइम्स अप। हु इज दैट? पोस्ट ऑफिस सुना है कभी? हाँ 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 वेरी गुड। अंबानी को दूसरा कुछ काम नहीं है ना। पोस्ट ऑफिस सुना है ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई जगह? हाँ आज सुना है, वेरी गुड। इंडियन पोस्ट ऑफिस का नाम बर्बाद मत करो, खराब मत करो, राइट? तो पोस्ट ऑफिस जो होता है वो क्या करता है? हमारे चीजों को क्या करता है? हमारे चीजों को वो अच्छे से पैक करता है और जो भी एड्रेस तुमने उसमें लिख रखा है, राइट, जो भी एड्रेस तुमने लिख रखा है वो उस जगह पे उसको पहुंचाता है और पोस्टमैन जो है वो घर घर जाकर उस चीज को पहुंचाता है। आजकल के टाइम पे पोस्ट ऑफिस बहुत कम यूज कर रहे हैं, पार्सल ऑफिसेस यूज किया जा रहा है, कोरियर सर्विसेज यूज किया जा रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस भी बहुत अच्छा और क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें किस चीज में मदद करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन डिस्पैचिंग व्हाट वी नीड टू, है ना? किसी को लेटर अगर लिखना है तो उस लेटर में जिसमें तुमने जिसका भी तुमने जिसका भी एड्रेस तुमने लिखा है, राइट, सो जिसका भी एड्रेस लिखा है उसको वो क्या करता है ना, पहुंचाता है, अच्छे से पैक करता है। तुमने एक बार उसको सील कर दिया तो अब उसके बाद उनका जिम्मा है कि वो उस इंसान तक पहुंचाएंगे जिस इंसान का नाम उसके अंदर लिख रखा है। ओके मूविंग ऑन, तो इस वजह से ये ध्यान में रखना एक पॉइंट जो कि मैं यू शुड राइट इट नाउ, दैट इज दैट्स व्हाई गोल्जी बॉडी इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ ह्यूमन सेल, या फिर ह्यूमन सेल नहीं, सेल, किसी भी सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस का काम कौन का, या पोस्ट ऑफिस को कौन है पोस्ट ऑफिस किसी भी सेल के अंदर? गोल्जी बॉडी इज द पोस्ट ऑफिस। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स आर द स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कंटेन डाइजेस्टरी एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल, राइट? क्या होता है ये? Small spherical vesicles are covered by single membrane, contain digestive enzymes for intracellular digestion and waste disposal. Generally found in animal cells, they lack in plant cell. Generally कहाँ पे पाया जाता है? Animal cell में पाया जाता है.
उनके एंजाइम्स कहां पे बनते हैं, इट्स एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, दस नॉन एज सुइसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल. सो एक डैमेज सेल में क्या होता है, लाइसोसोम क्या कर देता है, बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स में होता है, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल कहा जाता है. फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ऑल ऑर्गेनेल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स, राइट. तो बाकी फॉरेन मटेरियल्स जो है वो सच एज बैक्टीरिया और फूड, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे end up in lysosomes which break complex substances into simpler substances. I will repeat once again. Lysosomes kya hai? Small spherical vesicles. Vesicles ka matlab kya hua? That is, vesicle ka matlab kya hua? Ki chote chote, ek jo maine round shape mein, round structure us bataye the, right? Us shape mein jo paaye jaate hain, right? Wo vesicles, यहाँ पर तुम नीचे देख सकते हो वेसाइकल्स, राइट. सो ये वेसाइकल जो है जिसमें क्या किस प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं. यस, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, राइट. स्मॉल स्ट्रक्चर्स, दे आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, राइट, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन रहता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन दैट इज सेल के अंदर, राइट, अगर कुछ डाइजेस्ट करना है और किसी वेस्ट को अगर खत्म करना है तो उस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है, लाइसोसोम्स यूज किया जाता है. लाइसोसोम्स प्लांट्स में क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि पर्टिकुलर वे में किसी चीज को क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट, डाइजेशन या प्रोसेशन, प्रोसेसिंग का जरूरत वहां पर नहीं है. जिस प्रकार के प्रोसेसिंग का जरूरत, राइट, एनिमल सेल में होता है, वहां पर प्लांट सेल में वो प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं होता है, इस वजह से वहां पर ये पाए नहीं जाते. उसके अलावा प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्फ प्रोटेक्टिव चीजें रहती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट. लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन जैसा कोई जरूरत वहां पर, दैट इज प्लांट में नहीं चाहिए, राइट. और क्योंकि जो चीज वहां पर नहीं चाहिए वो चीज इसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट ने उसी तरह से चुना है, राइट. जो चीज वहां पर चाहिए उस हिसाब से वहां पर वो चीज डेवलप्ड होता है. सो नीचे डायग्राम में तुम देख सकते हो कि जब अगर कोई फूड जो है या फिर कोई प्रोटीन्स है, बैक्टीरिया जो है वो अगर अटैक करते हैं या फिर बैक्टीरिया जो है उसको वो क्या करता है, एनगल्फ करता है, खा जाता है और उसको तोड़ देता है इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट. इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है वो समझ में आ गया, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर खुद डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं. वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सेल के लिए भी खतरनाक है, राइट, क्योंकि वो दूसरे सेल को खत्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल को खत्म कर रहा है, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में चेंज कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है. तो वो क्या है, जो भी एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है, इट इज वेरी मच हार्मफुल, राइट. वो हार्मफुल होने के वजह से क्या तुम्हें मदद मिलेगा, सॉरी, हार्मफुल होने के वजह से वो क्या होता है, इट इज डेंजरस टू इट्स ओन सेल. तो इन ए डैमेज सेल में क्या होता है, वो एंजाइम्स जो है, दैट इज या फिर लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है. सो जैसे लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी एंजाइम्स है वो खुलकर कहां पर गिर जाते हैं, वो सेल में आ जाते हैं. और जैसे ही वो सेल में आते हैं, सेल जो है वो खत्म हो जाता है. इसलिए उसको क्या कहा गया है, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा गया, राइट. फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में, राइट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया बेस्ड कंपोनेंट्स, फॉरेन पार्टिकल्स, एनगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. तो यहाँ पे फूड पार्टिकल का एग्जांपल दे रखा है. सो फूड पार्टिकल में क्या होता है, उसको वो एनगल्फ करता है, राइट. लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको उस यहाँ पर देख सकते हो, राइट, एंजाइम्स जो है, राइट,
राइट, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है राइट, ये फूड पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आए थे, और लाइसोसोम्स के साथ जब वो मिक्स होते हैं तो वो क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है राइट, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या कर देता है, वो एक्सोसाइटिक वेसिकल से के हिसाब से वो बाहर निकल जाता है, जो जरूरत नहीं है वो सेल के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से काम जो है वो लाइसोसोम का रहता है। लास्ट थिंग सॉरी फंक्शंस, जैसे कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर राइट आंतरिक रूप से या अंदर सेल के डाइजेशन में मदद करता है। सेल डेब्रीज, सेल डेब्रीज, डेब्रीज मतलब वेस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि किसी काम के नहीं है, वो उस चीज को क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, सेल से बाहर निकल जाता है। और ऑर्गन्स आर ऑल्सो डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। Yes, phagocytosis also takes, phagocytosis is not only it, phagocytosis is just a process, ये एक phenomena है जहां पे engulfing of cell बोलता है right, या फिर eating up of cells, phagocytosis का general अगर definition पे जाएं तो eating up of cells, तो वो किसी भी सेल में पाया जा सकता है, bacterial cell में भी होता है, bacterial cell पे यहाँ पर जो तुम्हें diagram दिखाया गया था, it is a bacteria. That is a prokaryote, right? Bacteria is a prokaryote. तो bacteria के अंदर ये जो process है, ये process is of eating, जो कि मदद कर रहा है, इसको किस में मदद कर रहा है? ये किस चीज में मदद कर रहा है? Bacteria को digestion में मदद कर रहा है, right? वो ध्यान में रहना है चाहिए हमें। यहाँ पर lysosomes जो है, right? वो एक अगर हम pseudopods यहाँ पर ये एक यूकैरियोटिक एग्जाम्पल है राइट right? सो अगर हम चेक करें ओके okay, अब जब हम इसको यहाँ पर सिर्फ ये बैक्टीरिया में पाया जाता है या फिर क्योंकि हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो पाए नहीं जाते क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स है, लेकिन उसके जैसा वहां पर एनगल्फिंग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉपर्टीज रहते हैं, और उस प्रॉपर्टीज में लाइसोसोम का मदद जो है वो होता है क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं।